हेलो दोस्तों, अगर आप दिल्ली से जम्मू तक की ट्रेन की वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको आई बटन में लिंक दिया मिलेगा, या फिर आपको लास्ट में लिंक दिया जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। उसमें आपको चार पार्ट में पूरी वैष्णो देवी माता यात्रा की वीडियो दिखाई गई है। इसमें मैं बस आपको नवरात्रों में कैसी सजावट हुई हो रखी है और दूसरा नए रास्ते की वीडियो दिखाऊँगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, ये ट्रेन दिल्ली से जम्मू तक थी। अब आगे जाने के लिए हम यहाँ से बस लेंगे जो कि जम्मू से कटरा जाएगी। जम्मू से कटरा जाते हुए सुबह के 9 बजे हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा शायद, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़। पहला नवरात्रा पहला दिन और इतनी ज्यादा भीड़ तो आज तक नहीं देखी। हेलो, विकास दब्जर हरियाणा। सबकी अलग अलग होगी। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है। चलो श्रीमान, चलो चलो उस साइड। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है जो यहाँ से वैलिड होने के बाद बाणगंगा क्रॉस करनी पड़ेगी 6 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद आप कहीं पे भी रुक के कितने भी देर लगा सकते हैं, लेकिन बाणगंगा को आपको 6 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। अभी टाइम हुआ है 11:45, तो हमें लगभग ये मान लो 5:45 तक क्रॉस करना पड़ेगा। चलो अब आगे चलते हैं। ये सामने है बस स्टैंड। इस साइड छोड़े आते सर, और जो रजिस्ट्रेशन से मिलती है वो ये होती है। देखो बतेरे जान लग रहे हैं। बाणगंगा okay.
ये यहाँ पे नया तारकोट मार्ग बना हुआ है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए न तो बस स्टैंड पे और न ही रेलवे स्टेशन पे लाइन पे लगने की ज़रूरत है। आप नए रास्ते से बिना पर्ची के यहाँ आ सकते हो और आपको यहाँ पर ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यहाँ पर आपको बस 2 मिनट लगेगी और ये रास्ता भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आकर आप अपना बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हो, खासकर नवरात्रों पर। नवरात्रों पर बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आलू दही स्पेशल नवरात्रों के लिए। भोजनालय अभी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आए हैं और ये रास्ता हमें बहुत अच्छा लगा। इस पे बिल्कुल साफ सफाई है और अच्छा बनाया हुआ है। ऊपर से शेड भी है, पत्थर गिरने का बचाव है और दूसरा बारिश आ रही है तो उसमें भी बचाव है। और बिल्कुल साफ रोड है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। और उस रास्ते पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और साथ में खच्चर चलते हैं तो रास्ता बहुत ही ख़राब मिलता है। जय माता दी। एक बार देखो ही ना सर, और फिर उन्हें देखियो एक बार फर्क। जय माता दी। अब की बार नए रास्ते से जा रहे हैं। बेस्ट रूट है, एक नंबर का रूट, बिल्कुल साफ एंड स्वच्छ, बिल्कुल साफ और हर चीज़ की बढ़िया फैसिलिटी है। फैसिलिटी वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ से अच्छी है और साफ है। सबसे बढ़िया बात है सफाई की, बहुत ही ज़्यादा सफाई है, बहुत ही ज़्यादा, और ना क्राउड है किसी भी चीज़ का। भाई साहब साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रखा है, बहुत ज्यादा। हरित दरों का पालन करें, कहीं पे कुछ नहीं गिरा मिलेगा, बिल्कुल साफ। जिला प्रशासन द्वारा उन पर न केवल यह अनुरोध है कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए दरों पर इन प्रीपेड काउंटरों से पर्ची दे। घोड़ा, बिच्छू और पालकी चालकों से भी अनुरोध है, जो नया रास्ता बनाया गया है उस पे यात्रियों के अट्रैक्शन के लिए या मान लो विश्राम करने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे आदमी घूम सकते हैं और देख सकते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए भी सुविधा है। लेकिन साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे देखें भाई साहब, एक नंबर का मौसम है, एक नंबर का मौसम है। नया रूट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल साफ एंड स्वच्छ है। माता के दरबार में आए हैं, पहला नवरात्रा है। यात्रियों से अनुरोध है कि घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की सेवा के लिए इन्हीं प्रीपेड काउंटरों से संपर्क करें। भाई ये मेरी लगभग ये मान के चलो कम से कम 10वीं या 11वीं माता वैष्णो देवी की यात्रा, लेकिन मैं हर बार दूसरे रास्ते से आता, पहली बार इस रास्ते से आया हूँ और ये रास्ता मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल साफ है, कोई खच्चर या पोनी या घोड़े कुछ भी नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल साफ है और हर चीज की सुविधा दी गई है। श्रद्धालुओं का स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रम और पंजीकरण भी रद्द किए जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नए रास्ते पे यहाँ पे आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। यात्रियों के, श्रद्धालुओं के अट्रैक्शन के लिए ये बनाए गए हैं, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हुए हैं और देख सकते हो कितने अच्छे फुहारे बनाए गए हैं। चरण पादुका, अर्धकुमारी, सांझी छत,
भवन और भैरों में उपलब्ध हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि घोड़ा पिट्ठू और पालकी की सेवा के लिए इन्हीं बिल्कुल काउंटरों से संपर्क करें। यात्रियों से ये भी अनुरोध है, कितना अच्छा व्यू है। कितना अच्छा व्यू है पीछे देखने को, कितने अच्छे फुहारे लग रहे हैं और ये इतने ऊपर बनाए गए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। ये सामने लंगर है, यहाँ पर आप खाना खा सकते हो। What a view यार, amazing, आखर भाई कती। ये आप मेरे पीछे लंगर देख रहे हो, यहाँ आप खाना खा सकते हो, यहाँ पर खाने की सुविधा है। जय माता दी, जय माता दी। चालकों से भी अनुरोध है कि हेलो दोस्तों, जो माता वैष्णो देवी पे नया रास्ता बना हुआ है, इस बार हम उस रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते पे बहुत ही अच्छी पर बहुत ही उस रास्ते बहुत ही अच्छा प्रबंध है हर एक चीज़ का और बहुत ही साफ़ सफाई है। जैसे आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर टॉयलेट है जो कि बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, बहुत ही स्वच्छ और साफ है, ऐसा दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पीछे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता जो नया रास्ता है वो है, एक जो है साइड में है वो पुराना रास्ता है, आप किसी से भी आ सकते हो। ये यहाँ पर है दो रास्ते, यहाँ पर आके ये एक ही रास्ता बन जाता है। मेरे हिसाब से जो नया रास्ता हो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल साफ और स्वच्छ है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा, लेकिन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी सुविधाएँ दे रखी है। बस चिकित्सा की सुविधा नहीं है, बाकी हर एक सुविधा है। जय माता दी, जय माता दी।